15 अगस्त भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, जो भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष और विजय का प्रतीक है। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। ये दिन है भारत के दिल के गर्व और सम्मान के दिन का, क्योंकि इस दिन 1947 में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस निबंध में हम 15 अगस्त 2024 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष ध्यान देंगे, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं, वर्तमान संदर्भ और स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और कठिन यात्रा रही। इसमें हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में भारत को अपनी पकड़ मजबूत की और इस देश को एक उपनिवेश के रूप में शासित कर दिया। इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता ने विभिन्न प्रकार से संघर्ष किए, जिनमें सशस्त्र विद्रोह से लेकर अहिंसात्मक आंदोलन तक शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना 1857 की स्वतंत्रता संग्राम थी, जिसे सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीयों के बीच स्वतंत्रता की भावना को जागृत कर दिया। हालांकि इसे तत्काल दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी। गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलनों ने भारत समाज में एक नई ऊर्जा और स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा ने एक नया अध्याय लिखा। इस दिन भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की और देश का विभाजन हुआ। इस दिन को लेकर भारतीय जनता में अपार खुशी और उत्साह था, क्योंकि वो स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रतीक बन गया था। लेकिन पंडित नेहरू ने लाल किले के प्राचीर से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में विशेष समारोह आयोजित किए गए। इस दिन का प्रमुख कार्यक्रम लाल किले पर होता है, जहां प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस अवसर पर आयोजित भाषण में वो स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करते हैं और देश की प्रगति, चुनौतियों और विशेष की योजनाओं का प्रकाश डालते हैं। लाल किला पर आयोजित होने वाली परेड, जिसमें विभिन्न राज्यों की झांकियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सैन्य मार्च शामिल होते हैं, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रदर्शन करती है और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक होती है। स्वतंत्रता दिवस की विशेषता ये है कि इसे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में भी विशेष उत्सवों के साथ मनाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में ध्वजारोहण, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य की प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ सुनाते हैं, नाटकों का मंचन करते हैं और देशभक्ति से जुड़े गीत गाते हैं। इस प्रकार से ये दिन बच्चों और युवाओं को स्वतंत्रता और देशभक्ति की महत्वता समझाना और एक अवसर प्रदान करता है। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण और विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 15 अगस्त 2024 को भारत अपनी 78वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान संदर्भ में स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के महत्व को समझने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जब भारत तेजी से अधिक और तकनीकी प्रगति की ओर अग्रसर है, तब स्वतंत्रता दिवस की प्रासंगिकता को बढ़ जाती है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपनी देश की प्रगति, समानता और सामाजिक समरसता की दिशा में लगातार काम करते रहना होगा।
स्वतंत्रता दिवस 2024 पर भारतीय समाज और सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय और पर्यावरण संकट शामिल हैं। इस दिन को मनाने का मतलब है ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि इसके अवसर पे हम चुनौतियों का सामना करें और एक अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध साम्राज्य की दिशा में काम करें। स्वतंत्रता दिवस पर हमें स्वतंत्रता के मूल्यों को संयोजने और संकल्प लेना चाहिए। स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में हर नागरिक को समान अवसर मिले, जो कोई व्यक्ति शोषण या भेदभाव का शिकार बिल्कुल ना हो सके। स्वतंत्रता दिवस का अवसर हमें संकल्प लेने का प्रेरणा देता है कि हमें अपने समाज में सुधार करें और देश की प्रगति के लिए सक्रिय योगदान दें। ये दिन हमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास की दिशा में काम करने की प्रेरणा प्रदान करता है। 15 अगस्त 2024 भारत की 78वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम स्वतंत्रता की प्राप्ति की खुशी को मनाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं को याद करते हैं। ये दिन हमें स्वतंत्रता की रक्षा, एकता और अखंडता के महत्व को समझाने और संयोजने के एक अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह और कार्यक्रम न केवल स्वतंत्रता की खुशी को व्यक्त करते हैं, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझाने की प्रेरणा भी देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का महत्व केवल एक ऐतिहासिक घटना को याद करना नहीं, बल्कि हमें अपने देश के प्रति गर्व और उसकी प्रगति के लिए काम करने की प्रेरणा भी देता है। यही दिन है हमें ये संकल्प लेने के लिए अवसर देता है कि हम अपने देश की प्रगति और समृद्धि की दिशा में लगातार काम करेंगे और स्वतंत्रता के मूल्यों को संजोए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।